नमस्कार, मैं विकास कुमार, सोशल संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं आज नालंदा ज़िले के राजगीर के नए पोखर ग्राम में हूं और आपको बता दूं कि बीपीएससी की परीक्षा में 1317 रैंक ओवरऑल लाने वाले महेश कुमार और दिव्यांग श्रेणी में इनका स्थान तीसरा है और ये बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में ये सफल हुए और सफलता के बाद इनका चयन अंचलाधिकारी के पद पर किया गया है। तो जानते हैं कि तैयारी में कौन कौन सी किताबों का अध्ययन किया, सफलता के लिए कौन सी कोचिंग की कितनी भूमिका अहम होती है, कितने देर यह पढ़ाई किए और पीटी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या है, सफलता के मेंस की भूमिका क्या होती है और साक्षात्कार की तैयारी की रणनीति क्या है और किस प्रकार की होती, तो हम जानते हैं महेश कुमार जी से। सबसे पहले सर स्वागत है, सोशल संवाद से बातचीत करने के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी आभार। सर आपको तो सबसे पहले सोशल संवाद की ओर से बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आपने अंचलाधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ है। धन्यवाद सर। आप तैयारी में सर कौन कौन सी किताबों का आपने अध्ययन किया? सर तैयारी के दौरान प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा। काफ़ी अधिक पुस्तक पढ़ने के बजाय एक ही पुस्तक को अधिक बार पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का अध्ययन किया जी। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। अच्छा। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल के NCERT सार संग्रह का अध्ययन किया। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने संदर्भ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसका मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। सफलता में कोचिंग की कितनी भूमिका होती है सर? सर एक अच्छी कोचिंग की निसंदेह सफलता तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। कि सफलता सेल्फ स्टडी से भी संभव है कि कोचिंग क्या है उसमें सर? सर मुझे लगता है कि एक अभ्यर्थी को अपना आकलन स्वयं करना चाहिए। अच्छा। यदि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा रहा है, ये कहता है कि बिना कोचिंग की हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी जी। तो उन्हें कोचिंग की मदद लेनी चाहिए। अच्छा। लेकिन यदि वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा। और उन्हें गाइड करने वाला कोई एक्सपर्ट है या उनके सीनियर हैं। अच्छा। जो उनकी आंसर राइटिंग को चेक करते हैं। अच्छा। या डेली वो घर में मॉक प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे से कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। अच्छा। सेल्फ स्टडी से वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कोचिंग का चयन करें जी। तो बेहतर कोचिंग का चयन करें जहां शिक्षा किताबों की दुनिया से अलग भी आपको मोरल रूप से, भावनात्मक रूप से सफलता में आपको गाइड कर सकें, आपकी समस्याओं को निजी स्तर पर सुलझा सकें आराम से बैठकर सुनने के बाद। तो मुझे लगता है कि कोचिंग काफ़ी अधिक संख्या में है, कोचिंग का सिलेक्शन हमें विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। कितनी देर या कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए सर? जो युवा तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी की, उसके लिए कितना कारगर है, कितना पढ़ाई सर भी बताइए। सर इसमें मुझे लगता है कि विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार स्टडी करनी चाहिए। यदि वो रात को 3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। किसी भी टॉपर्स या सफल एस्पिरेंट के स्ट्रेटजी को आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार उसका आकलन करके अपना रूटीन बनाइए, स्टेप बाय स्टेप आप डेली रूटीन बनाइए। एक दिन एक चैप्टर मैंने स्टडी किया तो अगले दिन कोई दूसरा चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन पहले का पढ़ा हुआ जो चैप्टर है उसका आप रिवीजन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त क्वांटिटी ऑफ टाइम से अधिक इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्टडी। आप 3 घंटा ही पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें। उस समय आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल इत्यादि से पूरी तरह से दूर रहें। पीटी एग्ज़ाम के लिए आपका क्या रणनीति रही सर? सर पीटी एग्ज़ाम के लिए मैंने 3-4 पुस्तकों का अध्ययन किया। अच्छा। जैसे इम्तियाज अहमद सर की एक पुस्तक है लूसेंट को मैंने थ्रूली कई बार रिपीट करके पढ़ा। अच्छा। जहां मैं भूल जाता था उसको मैं लिख लिख करके याद करता था और उस पर मैं अधिक फोकस करता था। और इन चीज़ों को पढ़ने के दौरान मैं मॉक सेट प्रैक्टिस काफ़ी अधिक बनाता था। इसे न सिर्फ बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन का पैटर्न मुझे समझ में आया बल्कि जो मैं याद करता था, मान लीजिए लूसेंट से मैंने भारतीय संविधान का वित्तायोग की स्टडी की
या लक्ष्मीकांत की पुस्तक से स्टडी की। और मॉक प्रैक्टिस सेट के दौरान यदि कोई क्वेश्चन वित्त आयोग से या संविधान से आ जाता था और मेरा सही हो जाता था तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाता था। तो मॉक प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक, इसके अतिरिक्त लूसेंट पुस्तक, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक और करंट अफेयर के लिए मैंने घटना चक्र और वनली आईएएस एक यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल का मैंने डेली करंट अफेयर का नोट्स तैयार किया था। सफलता में मेंस की भूमिका बहुत अहम होती है और आप मेंस ही और साक्षात्कार का नंबर जुड़ने बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है जैसा कि मालूम है, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? मेंस की भूमिका जो अहम है उस पर तैयारी कैसे करें लोग? जी सर, मेंस की भूमिका बहुत अहम होती है, इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों को यह कहना चाहूँगा कि आप मेंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें जी। और मेंस में आंसर राइटिंग की भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बीपीएससी में मेंस में एक ये ट्रेंड देखा जाता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मान लीजिए एक बार पूछा गया कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो यह संभव है कि अगले वर्ष पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप इस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अधिक राइटिंग स्किल के जरिए उसका अभ्यास करें। साथ ही साथ इस तरह से हर टॉपिक का, आर्ट एंड कल्चर का, साइंस टेक्नोलॉजी में अभी जो भारत के सामने ज्वलंत समस्याएं हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी है, कचरा प्रबंधन की समस्या है, पर्यावरण से जुड़ी समस्या है, जल प्रबंधन की आवश्यकता है, तो ऐसे जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर आप अच्छे से शब्द विन्यास तैयार करें। साइंस टेक्नोलॉजी में वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और जो टेक्निकल वर्ड है उसको आप अपने आंसर राइटिंग में डिफाइन करें, इम्पॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करें और कुछ पॉइंट आपको दिखाना भी हो तो आप डायग्राम फिगर के जरिए आप दिखाने का प्रयास करें। उससे एग्जामिनर का ध्यान तुरंत आपके आंसर पर जाता है और वैल्यू एडिशन भी होता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे की वो भी बताएं। सर, मैंने 2019 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था जिसमें मात्र मुझे 138 मार्क्स मिले थे। इसके बाद मैंने आईने के सामने बैठ करके लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे तक मैं बोलता रहता था, मिरर प्रैक्टिस काफ़ी अधिक करता था। मैं जब गांव में भी था या कहीं भी रहता था, मुंबई में जॉब के दौरान भी, जो सीनियर लोग होते थे या कुछ अपने अच्छे मित्र होते थे जिनके पास करंट अफेयर की नॉलेज होती थी, ऐसे 3-4 लोगों को मैं सामने बैठाकर मैं उनसे मॉक इंटरव्यू करवाता था। इसके अतिरिक्त मैंने मेन जो बीपीएससी का इंटरव्यू होता है उससे पूर्व मैंने 4-5 कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दिया था। मैं यह कहना चाहूँगा अभ्यर्थियों को कि आप बहुत अधिक मॉक इंटरव्यू ना दें क्योंकि इससे आपके पर्सनालिटी में बनावटीपन आ जाता है। आप किसी कोचिंग के सजेशन को ब्लाइंडली भी नहीं फॉलो करें, ये ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट में आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कोई कोचिंग वाले ला सकते हैं। इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी कोचिंग के सजेशन को फॉलो करें और अधिक संख्या में मॉक इंटरव्यू देने के बजाय जो अच्छे कोचिंग हैं जहाँ अच्छे एक्सपर्ट बैठते हैं वहाँ पर जा कर के आप मॉक इंटरव्यू दें और कोशिश करें जो न्यूज़पेपर है उसको 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक ऊंची आवाज़ में पढ़ने के लिए। इससे आपके शब्द विन्यास में भी सुधार होगा और आपका जो सेंटेंस का फ्लो है वह भी इम्प्रूव होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तृत पूर्वक सारी चर्चा की कि पीटी से लेकर साक्षात्कार तक की तैयारी कैसे करें। और ये थे महेश कुमार जी जिन्होंने बिहार बीपीएससी की 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में 1317 ओवरऑल रैंक और दिव्यांग की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने पीटी से लेकर साक्षात्कार का तैयारी कैसे करें जिन्होंने आप लोग देखा भी और सुना भी। तो ये थे महेश कुमार जी और आप देख रहे थे सोशल संवाद में अपने सहयोग के साथ, मैं विकास कुमार नए पोखर, राजगीर, नालंदा।